तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम्स विद MS में। आज फिर से हम लाए हैं आपके यूपी बोर्ड 2019 से रिलेटेड, और ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि एग्जामिनेशन परीक्षाएं अभी चल रही हैं, तो उसमें आप ये ट्रिक अप्लाई करके अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हो, अपने अंकों को बढ़ा सकते हो, अपने प्राप्तांकों को बढ़ा सकते हो। तो वीडियो में क्या कहना है, वीडियो का टॉपिक बस इतना है कि प्रश्न अगर छूट रहे हैं, क्योंकि लेंथी पेपर आ रहा है, 70 नंबर का पेपर एक हो रहा है प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स में। अभी फिजिक्स का पेपर होना है, बायोलॉजी का पेपर होना है, मैथ का पेपर होना है 100 नंबर का, इंग्लिश का पेपर होना है, और भी डिफरेंट सब्जेक्ट के आर्ट्स में जो भी सब्जेक्ट है उनका पेपर होना है। तो प्रश्न अगर आप लोगों के छूट रहे हैं तो उसमें आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। तो देख लीजिए साहब, पहली बात बिल्कुल करेक्ट है कि फ़ायदा कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर आपको प्रश्न का कोई भी आइडिया नहीं है तब भी आप उस प्रश्न को अगर छोड़ते हो तो वहाँ पर आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा। आप प्रश्न को कम से कम अटेम्प्ट करो, आप भले दो लाइन में अटेम्प्ट करो, आप भले चार लाइन में आप प्रश्न का जवाब दो, आप एक शब्द में प्रश्न का जवाब दो, लेकिन कॉपी पर उस प्रश्न की अगर आप एंट्री कर देते हो, अगर कॉपी पर आप उस प्रश्न को सॉल्व करने की, उस प्रश्न को हल करने की कोशिश तक करते हो, तो वहाँ पर आपको फ़ायदा ही मिलने वाला है, वहाँ पर आपको कोई नुकसान नहीं होगा। प्रश्न छोड़ने पर कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता। आप लिखित परीक्षाएं जितने भी हैं, सब्जेक्टिव वाली जितनी भी लिखित परीक्षाएं हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रश्न छोड़ने का वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं मिलता। आप थोड़ा बहुत लिखो, उससे रिलेटेड आप लिख सकते हो, उससे थोड़ा बहुत संबंधित लिख सकते हो, अगर आपको उस प्रश्न के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है और आपके पास अगर टाइम कम बच रहा है, तो आप किसी प्रश्न को छोड़ने के बजाय उन सभी प्रश्नों को कम कम लिखिए, लेकिन सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट कीजिए, सभी प्रश्नों को हल कीजिए अपनी आंसर कॉपी में, अपने आंसर बुक में आप हर एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। भले आप थोड़ा थोड़ा कम टाइम अगर आपके पास कम बच रहा है, तो वहाँ पर आप ये कोशिश कर सकते हो कि वहाँ पर आप आंसर्स को, अपने उत्तरों को थोड़ा थोड़ा शॉर्ट कर दो, लेकिन एटलीस्ट आपको जब आप सभी प्रश्नों का उत्तर दोगे तो आपको सभी प्रश्न के हिसाब से अंक मिलेंगे। अगर आप किसी प्रश्न को छोड़ देते हो तो वहाँ पर आपको उस प्रश्न के अंक मिलने की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। तो प्लीज़ 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 आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, सभी प्रश्नों को हल कीजिए, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हाँ, अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है किसी प्रश्न के बारे में, अगर आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता है, तब भी आप कोशिश कीजिए कि उससे संबंधित कुछ याद किया जाए, उससे संबंधित कुछ याद करके आप वहाँ पर कुछ ही लाइनों में, आप दो लाइनों में, चार लाइनों में, आठ लाइनों में, जितना भी आपको याद आ रहा है और जितना भी आपके पास समय बचा हुआ है, वहाँ पर आप उसको लिख दीजिए, तो वहाँ पर आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। प्रश्न कोशिश ये कीजिए कि अपने आप घड़ी बांध के एग्जामिनेशन हॉल में जाएं और घड़ी के हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट करते हुए सभी प्रश्नों का उत्तर नियमित समय, सीमित समय में देने की कोशिश करें। तब भी अगर आपको समय से संबंधित कोई दिक्कत आती है, तो आप ऐसा कीजिए कि कुछ प्रश्नों का उत्तर आप शॉर्ट करके लिख सकते हैं, ताकि आपके सभी प्रश्न कंप्लीट हो जाएं और आपको सभी प्रश्नों पर अंक प्राप्त हो सके। तो दोस्तों ये थी वीडियो, आपको प्रश्न नहीं छोड़ना है, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला। आप भले थोड़ा बहुत बना के लिख सकते हो, आप थोड़ा बहुत उल्टा सीधा भी लिख सकते हो, उल्टा सीधा का मतलब ये नहीं है कि आप गाने लिखना शुरू कर दो, लेकिन आप कुछ ना कुछ उस टॉपिक से रिलेटेड अपनी भाषा में करके लिख सकते हो, तो वहाँ पर आपको उस पेपर में, उस पेपर के उस प्रश्न में आपको अंक मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक छोड़िए, कमेंट कीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी, एंड गुड लक योर फ्यूचर। थैंक यू एंड बाय।